आप सभी को प्रणाम। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूके वीज़ा किसको मिलेगा, कौन सी वीज़ा मिलेगी। मैं कितने दिनों से ट्राई कर रहा था कि कौन सी वीज़ा मिलेगी, कैसे वीज़ा मिलेगी। तो अभी बहुत अच्छा एक इन लोगों ने परमिट निकाला है, वर्क परमिट मिलता है दो तरह की। एक मिलता है स्टडी वीज़ा पे आ सकते हैं जिसको आना है वो, और एक मिलती है वर्क वीज़ा, वो मिलती है नर्सिंग में, यानी कि केयर गिवर की जॉब। जिसने नर्सिंग किया है वो अभी यूके में आ सकते हैं, जिसको इंग्लिश आता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो आप कितने पढ़े लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास नर्सिंग का एक्सपीरियंस है तो आप अपनी फैमिली के साथ यूके आ सकते हैं, यानी कि अपनी जो वाइफ आएगी तो उसके साथ हस्बैंड आएंगे, उसके बच्चे आएंगे और 4-5 साल में उसको परमानेंट यहाँ देंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो कायम के लिए आप यहाँ अभी सेटल हो सकते हैं। बहुत अच्छा ये अभी स्किल निकाला है इन लोगों ने, जो केयर होम है, आपको केयर होम की वीज़ा मिलेगी। यानी कि केयर होम क्या है, केयर होम माने कि जो बूढ़े लोग हैं ना, जो कुछ नहीं कर सकते, जिसको हेल्प की ज़रूरत है, उसका एक वृद्धाश्रम जैसा होता है, उसका यहाँ केयर होम बोलते हैं। तो उसमें आप वीज़ा आपको देंगे अभी और आप आ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और वो लोग आपकी इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू में अगर पास हो जाओगे तो आपको बाद में वो बुलाएंगे, वीज़ा देंगे और आप आराम से आ सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा खर्चा भी लगता है, क्योंकि ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, लेकिन अभी कोई एजेंट लोग हैं जिसके पास, वो उधर से वीज़ा लेंगे फिर वीज़ा आपको देंगे। तो उसके लिए आपको डिपेंड है कौन सा एजेंट है, कैसा है, उसकी तरह से वो आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन किसी को पैसा मत दीजिए, मैं ये पहले बताता हूँ, किसी को पहले पैसा मत दीजिए। पहले आपको 1 लाख ही देना पड़ेगा, लेकिन उसका पूरा आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, सब लेटर मिलेगा, उसके बाद ही मिलेगा, और वो भी किसी एजेंट को मत दीजिए। सीधा आप डायरेक्ट यहाँ की जो एजेंसी होगी, यहाँ का केयर होम होगा, वो आपको उसका ईमेल भेजेंगे, उसकी डिटेल भेजेंगे, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, उसमें ही आपको भरना पड़ेगा। तो कोई किसी को ऐसे पैसा मत दीजिए, ठीक है, ध्यान रखिए। और आप स्टडी वीज़ा पे आ सकते हैं, तो स्टडी वीज़ा पे हस्बैंड वाइफ दोनों आ सकते हैं, एक का कोई करे जिसका, तो उसके साथ उसका हस्बैंड आ सकता है, और वाइफ करे तो उसका हस्बैंड आ सकता है, हस्बैंड करे तो उसकी वाइफ आ सकती है। तो ऐसी यहाँ अभी स्कीम चल रही है, यूके में वीज़ा मिल रही है। तो बहुत लोगों से आप बोल रहे थे कि कुछ कैसे आए, तो इस तरह की 2 वीज़ा है, इसमें आप जैसी आपकी चॉइस वैसे आप आ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट है आप कितने पढ़े लिखे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कोई दूसरी कंट्री में जॉब किया है, तो बहुत हवा चल रही है यहाँ, बहुत हवा आ रही है, ठीक है। आप कितने पढ़े लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश आना चाहिए, रिक्वायरमेंट है, आइल्स जिसको आइल्स बोलते हैं वो भी चाहिए। अगर आपने पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश में ही पढ़े लिखे हैं, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको इंग्लिश की एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और इंग्लिश आना चाहिए। बहुत लोग यहाँ आ गए हैं लेकिन अभी उसको इंग्लिश नहीं आ रही है, ठीक है, इंग्लिश नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती थी, इतना नहीं है, लेकिन आप ट्राई करो, ठीक है, फ्री हो, कुछ काम नहीं है, तो इंग्लिश का थोड़ा कोर्स करिए, बेसिक सीख लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा। मैं भी गुजराती में नापास आदमी हूँ, और आज इंग्लिश भी बोल रहता हूँ, इटालियन भी बोल रहता हूँ, इब्रू भी बोल रहता हूँ, सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो डरने की बात नहीं है कि आपसे नहीं होगा, ठीक है। अगर मन गुजराती में एम कहवा मन हो तो मारवे जवाए। तो चलो आज एवं तमने वीज़ा बाबत बताऊँ के केव रीते मन हो तो मारवे जवाए। तो वही 2 प्रकार की वीज़ा मिल रही है,
एजेंटों से सावधान रहिए, सही भी है गलत भी है, गलत ज़्यादा है सही कम है। बहुत लोगों ने पैसे उठाए हैं लोगों का, लेकिन क्या करें। तो आप लोगों से विनती करता हूँ, किसी का भरोसा मत कीजिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट ऊपर जाइए। और मैं भी तो मेरी भी कोशिश जारी है कि मैं तपास करूं इजी से, कैसे आपके लिए इंतज़ाम वीज़ा का कर सकूं, लेकिन उसकी प्रोसेस बड़ी है, मैं नया हूं तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी कितना टाइम कैसे है तो पता नहीं, लेकिन ये वीज़ा अभी मिल रही है। तो आपने सबने सुन लिया होगा कौन सी वीज़ा मिल रही है। दो प्रकार की वीज़ा है, एक है स्टूडेंट वीज़ा और एक है नर्सिंग वीज़ा। नर्सिंग वीज़ा माने कि केयर गिवर की वीज़ा, उसमें आपको बूढ़े का काम करना है, बूढ़ियों का कोई दादी है कोई अंकल है वही उन लोगों को ही करना है और कुछ नहीं है। तो किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश की तैयारी करिए, ठीक है। इंग्लिश तैयारी करो, इंग्लिश होगी तो कहीं भी काम आएगी। इधर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए। आपको आती नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अभी आप सीख सकते हैं तो भविष्य में काम आएगी। तो अभी यूके में वीज़ा, ये दो प्रकार की वीज़ा मिल रही है अभी। तो हरी अप करो, जिसको भी आना है, कोई हॉस्पिटल में कोई नर्स है वो भी अपने हस्बैंड अपने पति के साथ अपने बच्चे के साथ यहाँ सेटल हो सकते हैं। तो मैं अभी यूके में हूँ और ये सब जानकारी मैंने ली है और ये मिल भी रही है केयर होम में। और यहाँ यूके में कोई स्टूडेंट लोग आए है स्टडी करने के लिए आए है, उसको यहाँ वीज़ा एक्सटेंड कराना है तो उसके लिए भी ये कर सकते हैं आप। क्या आपको केयर होम में जाना पड़ेगा, केयर होम में जाके आप वहाँ 2-3 महीना काम करो। 2-3 महीना काम करने के बाद वो आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, आपका काम का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपको सैलरी भी मिल जाएगी और उसके बाद आपके लिए वो प्रोवाइड करेंगे पूरा डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ की जो प्रोसेस है वो आपको करनी पड़ेगी, जो वो बताएंगे। वो इंग्लिश तो यहाँ है तो आता ही रहेगा थोड़ा घना, और एक्सपीरियंस भी वहाँ किया आपने तो आपको पता भी लगेगा कैसा काम है कैसा नहीं है। और वो ऑफिस वालों के साथ आपको बात करना पड़ेगा और वो आपकी फिर वीज़ा की ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, वो आप ट्रेनिंग करेंगे यहाँ और धीरे धीरे आपके जो वीज़ा एक्सटेंड होगी उसकी प्रोसेस चालू हो जाएगी। और बस 3-4 महीना और ऐसे ही कुछ में आपकी वीज़ा यहाँ एक्सटेंड हो जाएगी और आपका टैक्स यहाँ कटेगा, तो बाद में धीरे धीरे आप यहाँ सेटल हो सकते हैं यूके में। तो जिसका यूके का सपना है आने के लिए वो इस प्रकार से आ सकते हैं, इजी है कोई बात नहीं। लेकिन एजेंटों से सावधान, ये मैं पहले बताता हूँ, किसी को पैसा नहीं देने का। हाँ, ये वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए £1,000 फीस है पहले देना का है, कागड़िया जब डॉक्यूमेंट देंगे तब, ठीक है, उसके पहले कुछ नहीं देने का। उसके बाद पता नहीं क्या है, लेकिन उसके बाद पैसा जो देगा, लेकिन पहले इससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं देने का, ठीक है। अगर कोई एजेंट आपको बोले इतना देगा, नहीं, वो आपको डॉक्यूमेंट में लिखा है, मैं इसमें डालूंगा कितना कैसे है वो थोड़ा वीडियो के वो फोटो निकाल के वो डॉक्यूमेंट को, और मैं जल्दी और एडवाइस भी लूँगा और माहिती भी लूँगा कैसे मिलेगा और प्रोसेस कैसी होती है, कम पैसों में शायद हो जाए तो उसके लिए भी मेरा ट्राई करूँगा मैं बेस्ट। तो गो फॉर द बेस्ट, कहीं भी आप जा सकते हो, लेकिन यूके के लिए तो यहाँ है। इटली के मुझे अभी पता नहीं है, वहाँ खेती की वीज़ा निकलती है, लेकिन वहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे इतना कोई मिला नहीं, लेकिन यहाँ मैं एजेंसी से मिला, बात किया तो ये सब मुझे जानने को मिला है। तो हरी अप, जल्दी करिए, आपके लिए यूके का दरवाज़ा खुला है, वर्क कीजिए, यहाँ काम कीजिए। और गर्मी और बारिश तीनों एक ही दिन में आती है, ऐसी यहाँ की मौसम है, ठीक है। फिर बोलना नहीं कि आपने तो मुझे हम यहाँ आए यहाँ की वेदर ऐसा वैसा, क्योंकि यहाँ तो ठंडी अभी है, अभी तो गर्मी है हमारे देश में और जगह। तो कहीं से भी आप ये वीज़ा के लिए आ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरी जानकारी दे दिया है जो मेरे पास थी, ठीक है। मैं कोई सॉलिसिटर नहीं हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपको, मैं भी एक छोटे से
परिवार में से आ रहा हूँ, बहुत मुश्किल और बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जैसी किसी को स्ट्रगल ना करने पड़े। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, किसी ने मुझे दिया नहीं था, मैंने खुद को सब करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करके, बहुत मेहनत करके। सब इसराइल था, इटाली था और यूके में अभी हूँ, तो ये सब बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो और जानकारी मैं दूंगा, अगर आपको और जानकारी भी चाहिए, कुछ आपके मन में प्रश्न है कोई भी, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट करेंगे आपको मैं, जितनी मेरे पास होगी या तो मैं किसी और से लो के आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं भी बिजी रहता हूँ, बिजनेस में, जॉब में, बहुत सारे काम होते हैं, वीडियो करना बताना होता है। तो चलो, अभी मैं यहाँ वीडियो को ख़त्म करता हूँ, आप सभी को प्रणाम। तो और कुछ आपके मन में प्रश्न है कमेंट कीजिए, मैं मेरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर दे सकूं। ठीक है।